नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एग्रोनॉमी का, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ एग्जाम चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम, तो उन्हीं एग्जाम को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर, जेट, एमपी पैट या फिर बीसीईसी, बिहार का जो एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, एग्रोनॉमी आप अगर पढ़ रहे हैं, तो उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न आज इस वीडियो में लेके आए। सो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। इसलिए वीडियो पर जो है शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो को फुल वॉच करेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि गेहूं में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। गेहूं में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है जिसके कारण जो हमारी रोटी होती है वो फूल जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन का नाम है ग्लूटेन। भाई क्या नाम है? ग्लूटेन। यह प्रोटीन उपस्थित होती है किसमें? यह उपस्थित होती है प्रोटीन गेहूं में, मात्रा होती है इसकी 10%। तो गेहूं में जो उपस्थित प्रोटीन है ग्लूटेन है, उसकी मात्रा 10% है। और ध्यान रहे, यह 10% जो प्रोटीन है, 10% प्रोटीन पाई जाती है जीन नाम की, वो किसमें उपस्थित है? मक्का में। मक्का में उपस्थित प्रोटीन है जीन, 10% है। साथ ही साथ हम लोग बात कर ले, चना में प्रोटीन कितने परसेंट है? लेग्यूम प्रोटीन होती है 21% है। दलहनी में लेग्यूम प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, मटर में बात कर ले अपन लोग तो 22% है। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले बच्चों हरी मटर की, हरी मटर की तो 7.2%। और उड़द की बात करेंगे, उड़द की अपन लोग बात करेंगे तो 24% इसमें होती है। मूंग की बात करेंगे तो 25% होती है प्रोटीन। अरहर की बात करेंगे तो कितनी है? लगभग 25-26% है। सोयाबीन की बात करेंगे तो गाइस कितनी है? 42% है, जो कि सबसे ज्यादा है दलहनी फसलों में। सबसे ज्यादा किस दलहनी फसल में प्रोटीन है? तो 42% है सोयाबीन में, ठीक है। अच्छा, अगर मूंगफली में हमसे पूछ ली जाए, मूंगफली में तो उसमें 26% प्रोटीन होती है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी फसलों में जो प्रोटीन उपस्थित है उसको देख लिया है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर दो, ये काफी बढ़िया प्रश्न है कि सीरी मतलब एस आर आई, पूरा नाम इसका होता है सिस्टम ऑफ राइस, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये होता है श्रीविद का पूरा नाम। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये है श्रीविद का पूरा नाम, ठीक है। अच्छा, जो श्रीविद है ये धान की नर्सरी तैयार करने की विधि है, ठीक है, धान की नर्सरी तैयार करने की विधि है। तो सीधा परीक्षा पूछा जाएगा कि श्रीविद का संबंध किस क्रॉप से है, तो आंसर क्या आएगा? धान। अच्छा, अगर श्रीविद से धान की पौध तैयार की जाती है गाइज, तो बीज दर कितनी लगती है? 5-6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो बहुत कम बीज लगती है अगर इस विधि से नर्सरी तैयार की जाती है। और एक और चर्चित प्रश्न है कि यह विधि जो है श्रीविद, ये इंडिया में कहां से आई? प्यारे बच्चों, एक जगह पड़ती है मेडागास्कर, जगह का नाम है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका में है। कहां पे है? अफ्रीका में। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर दो भी यहाँ पे समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन, एक बीमारी है मौल्या रोग, मौल्या डिजीज का संबंध किससे गाइस? आंसर रहेगा अपना जौ, जौ से संबंधित है। और यह बीमारी हेट्रोडोरा, क्या? हेट्रोडोरा अबेनी, हेट्रोडोरा अबेनी नामक निमेटोड के द्वारा होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है कि मौल्या डिजीज का संबंध किससे? आंसर रहेगा जौ। और बीमारी होती किसके द्वारा है? हेट्रोडोरा अबेनी नामक निमेटोड के द्वारा। ये बीएचयू में प्रश्न पूछा था, बीएचयू में, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार का उत्पत्ति, ओरिजिन प्लेस ऑफ सोर्गम मींस ज्वार, ज्वार का बच्चों उत्पत्ति स्थान कहां पे गाइस? जो ज्वार के उत्पत्ति स्थान की बात करें, चाहे बाजरा के उत्पत्ति स्थान की बात करें, आंसर क्या करेक्ट रहेगा बच्चों? वो रहेगा अफ्रीका। करेक्ट आंसर जाएगा यार अफ्रीका के साथ में। क्या सही उत्तर होगा? अफ्रीका। अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर है। और ज्वार में अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें बच्चों, क्या गुणसूत्र संख्या की बात करें, 20 होती है, जो कि मक्का में भी उपस्थित होती है। क्या बोला मैंने कि जो ज्वार का उत्पत्ति स्थान की बात करें या बाजरा के उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो अफ्रीका करेक्ट आंसर होता है। और ध्यान रहे, ज्वार में गुणसूत्र की संख्या 20 है और मक्का में 20 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जो मक्का की विभिन्न स्पेसीज होती है 4-6, जैसे स्वीट कॉर्न हो गए, डेंट कॉर्न हो गई और बैक्सी कॉर्न हो गई, ये मक्का कई सारी स्पेसीज होती है। उसमें जो स्वीट कॉर्न है, मेरे बच्चों मीठी जो मक्का है
उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जियामेज सैकेराटा। क्या नाम हुआ? जियामेज सैकेराटा। क्या नाम हुआ? जियामेज सैकेराटा। करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी है जिस बीमारी को अपन लोग हरित बाली रोग, बाबा रोग, जोगिया रोग, डांडिया रोग आदि नाम से जानते हैं। और ये गेहूं, माफ कीजिएगा, बाजरा की हरित बाली रोग बीमारी होती है जो कि स्कैलरोस्पोरा किसके कारण होती है? डाउनी मिल्ड्यू की बात कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, स्कैलरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। स्कैलरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के द्वारा। यानी बच्चों, जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है, इसी बीमारी को हरित बाली रोग बोलते हैं। संबंधित क्रॉप कौन सी है? बाजरा। और यह बीमारी स्कैलरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के द्वारा होती है। ध्यान रहे, यह बीमारी प्यारे बच्चों क्या है कि बीज प्लस मृदा दोनों जनित है। कहने का मतलब सीड एंड सॉयल बॉर्न बीमारी होती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। बाजरे की जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है वो बीज व मृदा जनित बीमारी होती है। इसलिए हमें सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट दोनों ही करना चाहिए इस रोग की रोकथाम के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। सो गाइस, अब इधर का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत बार प्रजात आई है, चाहे एग्जाम यूपी कैटेट का हो, चाहे बीएसयू आईसीआर कोई भी एग्जाम हो, पूसा बैसाखी प्रजाति जो है हमेशा पूछी जाती है। तो पूसा बैसाखी किसकी प्रजात हुई? करेक्ट आंसर जाएगा यार मूंग के साथ में, मूंग जिसको बोलते हैं लैंटिल। ठीक है, तो पूसा बैसाखी जो वैरायटी है यह मूंग की है जिसको बोलते हैं लैंटिल। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा मूंग। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रभात या फिर उपास 120 मींस, उपास का पूरा नाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश अरहर सेलेक्शन। 120 का मतलब प्यारे बच्चों यह वैरायटी 120 दिन में तैयार हो जाती है। अगेती किस्म है, उत्तर प्रदेश के लिए सुटेबल है और अरहर की प्रजाति है, तो बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। उत्तर प्रदेश अरहर सेलेक्शन 120 अरहर की अगेती किस्म है। ठीक है, प्रभात भी अरहर की किस्म है और अरहर को रेड ग्राम के नाम से जानते हैं क्योंकि अरहर कैसा होता है? रेड होता है बाहर से देखने पर, और केजानस कजानस का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इतने प्रश्न हमें आने चाहिए, बेसिक प्रश्न है, आपको आने चाहिए। बच्चों कुसुम की फैमिली की बात कर रहा हमसे, क्या कुसुम? कुसुम की फैमिली की बात करेंगे तो कौन सी हो सकती है? कुसुम को अंग्रेजी में बोलते हैं सनफ्लावर और सूरजमुखी को बोलते हैं सनफ्लावर। नाम में कोई अंतर है नहीं, इसलिए फैमिली यहां पे रहती है सेम। क्या मतलब हुआ? इसकी फैमिली क्या होती है? कंपोजिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोजिटी। तो कुसुम की फैमिली या फिर सूरजमुखी की बच्चों जो फैमिली है वो कंपोजिटी है। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रैटिंग बाय स्ट्रिपिंग का संबंध किस क्रॉप से है? एक प्रोसेस होती है रैटिंग, जब जूट है उससे फाइबर को सेपरेट किया जाता है, उस कंडीशन को अपन लोग रैटिंग बोलते हैं। प्यारे बच्चों, रैटिंग क्रिया होने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यार नहीं, रैटिंग क्रिया अच्छे से हो, अच्छे से फाइबर निकले, तो प्यारे बच्चों इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। रैटिंग हो चाहे स्ट्रिपिंग हो, यह क्रिया संबंधित किससे है? तो प्यारे बच्चों यह इसका संबंध जूट से। किस संबंधित है? जूट से। ये काफी इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चंस हैं। बच्चों फैमिली की बात की जाए जूट की, क्या होती है? टिलियसी। जूट की फैमिली की बात किया है टिलियसी, और प्यारे बच्चों फालसा की फैमिली भी क्या होती है? टिलियसी। तो जूट और फालसा की फैमिली होती है टिलियसी। और बात की जाए रेटिंग व स्ट्रिपिंग का संबंध किस क्रॉप से है? जूट से है। रेटिंग क्रिया होने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्यारे बच्चों एक और प्रश्न आपके सामने कि वर्सीम की बीज दर क्या है? वर्सीम की सीड रेट क्या है? सीड रेट ऑफ वर्सीम भाई क्या हो सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्या आंसर रहेगा? 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये बीज दर होती है वर्सीम की। प्यारे बच्चों अगर फार्मर कोई भी किसान गेहूं की बुवाई करना चाह रहा है और उसके पास लिमिटेड सीड है, सीमित सीड है, सीमित बीज है, तो वो बुवाई का कौन सा तरीका अपनाएगा? प्यारे बच्चों डिबलर। डिबलर में कुटियों की संख्या होती है 27, और जो डिबलर के द्वारा अगर गेहूं की बुवाई करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम सीड रेट रखता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, फसल चक्र का सूत्र आपको बताना है।
प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसी क्लासेस दिन प्रतिदिन चाहिए तो आज ही दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का जो यूट्यूब परिवार है वो 7000 फैमिली मेंबर कंप्लीट करने वाला है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके घर में जितने भी मोबाइल होंगे, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, कहीं भी, तो लिंक को आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के बीच में। और अगर आपको लगता हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आज ही इस मुकाम को आप हासिल करवा देना, सभी मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। वास्तविक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्यारे बच्चों तो लाइक भी कर देना। हम ऐसे ही वीडियो आपको दिन प्रतिदिन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत जल्दी बड़ी से बड़ी मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग अपना सब्र बनाए रखिए, संयम बनाए रखना। तो प्यारे बच्चों, अब समय हमें इजाजत नहीं देगा, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय।